नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई। पहले चरण के मतदान में 53.54% मतदान हुआ। पहले चरण के वोटिंग के बाद महागठबंधन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन ने पहले चरण के 71 में से 55 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। वहीं राजद के प्रवक्ता मनोज झा और कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जो आंधी चल रहा है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। महागठबंधन के अनुसार बिहार में अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। वहीं एनडीए द्वारा तेजस्वी के अनुभव पर सवाल उठाए जाने के बाद महागठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के अनुभव को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का दावा किया है। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि इस बार एनडीए को कम सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि तेजस्वी को अनुभवहीन कहने वाले एनडीए के नेता यह भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पवन खेरा ने इस दौरान कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। उन्होंने महागठबंधन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने शारीरिक दूरी और मास्क पहनने पर भी जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल वाम दलों की ओर से कविता ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं बल्कि आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो रहा है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। पहले चरण 71 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और फिर तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी दलों के नेता दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एनडीए का समर्थन करने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से महागठबंधन का समर्थन करने की अपील की। इस दौरान तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को भी दोहराया। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।